सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या ब्रह्म मुहूर्त में किचन से जल लेकर मेन गेट पर डालें तो क्या ये पितरों को लगता है? पहले बात तो ये समझ लें पुनीत शर्मा जी कि सुबह 4 बजे के आसपास दरवाजे पर देहरी पर जल डालना आपके घर में लक्ष्मी की बारिश कराने वाला कार्यक्रम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी की बारिश हो, मैंने कथा में भी कई बार बताया है, तो सुबह उठकर जल को लेकर आप सबसे पहले 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा है क्योंकि वही उनके आगमन का समय है, उस समय आप अपनी देहरी पर डालें। अगर आपके यहाँ बगीचा है, गमले हैं, कुछ हैं, तो एक आध फूल तोड़ के डाल दीजिए। ये पहला दर्शन। दूसरा दर्शन, आप कहेंगे कि हम तो उस समय सोते हैं, या आप कहेंगे कि 4 बजे अगर करना है तो क्या 3:30 बजे उठना पड़ेगा, फिर नहाना पड़ेगा, फिर हमको ये करना पड़ेगा, तो फिर मैं आपसे कह दूं कि इसमें नहाने की कतई कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल बात आपसे करना चाहता हूं। आपकी लक्ष्मी जब आप नहीं भी नहाते तो भी आपके घर में रहती है, आपकी जेब में भी रहती है। वो मन पवित्रता की बात कर रहा हूं, तन पवित्रता की बात अभी नहीं चल रही है। सो यू डू वन थिंग, अगर आपको लगता है कि आप नहीं उठ पाते तो उस समय अलार्म लगाइए, पानी डालिए, फिर सो जाइए, कोई पुष्प, कोई कुमकुम, कोई रोली डाल दीजिए। अगर आप ये करते हैं तो लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी होंगे, आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और वो आनंद से नाचते हैं। ऐसा करने वाले जातक के घर हमेशा लक्ष्मी का वास होता है, संपन्नता होती है, सुख होता है।